नमस्कार, मैं आपके साथ आरती सिंह आजाद स्वागत करती हूं आपका केकेआर न्यूज में। हनुमान अष्टमी पर खातेगांव नगर के हनुमान भक्तों के द्वारा कन्नौज रोड स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर खातेगांव पर हनुमान अष्टमी के उपलक्ष्य में बाबा हनुमान जी मनोकामना सिद्धि देने वाले पंचमुखी हनुमान मंदिर पर भक्तों के द्वारा सुंदरकांड पाठ व भंडारे का आयोजन किया गया। आयोजन समिति के अजय तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया, पिछले वर्ष भी हनुमान अष्टमी पर यह आयोजन किया गया था, इस बार बाबा की कृपा से यह आयोजन विस्तार रूप से हो गया है। नगर के सभी भक्तों के द्वारा इस आयोजन को किया गया। यह पंचमुखी हनुमान मंदिर चमत्कारिक मंदिर व मनोकामना सिद्ध करने वाला स्थान है। दादाजी भक्त मंडल के प्रदेश मीडिया प्रभारी प्रदीप साहू ने जानकारी देते हुए बताया कि मंदिर जहां बाल रूप में पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा विराजमान है, कुछ समय पूर्व इस प्रतिमा को कुछ असामाजिक तत्वों ने इसे खंडित करने का प्रयास किया था, पर वह इसमें सफल नहीं हो पाए और साथ ही नगर के भक्तों के द्वारा बाबा की बड़ी प्रतिमा यहां विराजमान की गई है। हर मंगलवार यहां सुंदरकांड का पाठ का आयोजन किया जाता है। 91वें सुंदरकांड पाठ का आयोजन हो चुका है, वह आगे भी यहां जारी रहेगा। यह मनोकामना सिद्ध करने वाले सिद्धि प्रदाता पंचमुखी हनुमान प्रतिमा अपने आप में एक चमत्कारिक व फल प्रदाय करने वाली प्रतिमा है। यह प्रतिमा विराजमान हुई है, तब से अब तक कई आयोजन समिति के द्वारा किए जा चुके हैं। पंचमुखी हनुमान समिति के द्वारा हनुमान अष्टमी पर दिव्य सुंदरकांड का पाठ व भंडारे का आयोजन किया गया है। मैं समिति के व नगर के धर्म प्रेमी जनता को इस सुंदर आयोजन के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। वो उनके द्वारा ऐसे पुनीत कार्य हमेशा किए जाते हैं, आगे भी किए जाते रहेंगे। देवास से सत्तार खान की रिपोर्ट। पंचमुखी हनुमान सेवा समिति के द्वारा हनुमान अष्टमी का आयोजन रखा गया है। समस्त धर्म प्रेमी जनता के सहयोग से ये आयोजन होता है। पिछले वर्ष भी हमने इस आयोजन को करा था, पर थोड़ा सूक्ष्म रूप में करा था। इस बार बाबा के आशीर्वाद से और सभी खातेगांव की धर्म प्रेमी की जनता के सहयोग से ये आयोजन बहुत भव्य रूप में हुआ है। भंडारा हुआ, महाआरती महाप्रसाद हुआ है और हजारों लोगों ने प्रसादी ली। मनोकामना सिद्ध पंचमुखी हनुमान मंदिर यहाँ पर पिछले 91 मंगलवार से दादाजी का संकीर्तन हो रहा है, बालाजी भगवान का संकीर्तन हो रहा है, सुंदरकांड का दिव्य आयोजन हो रहा है और इस भूमि को एक पवित्र भूमि यहाँ पर बालाजी सरकार ने बना दिया है। पूरी आयोजन समिति को मैं बधाई दूंगा कि उन्होंने ये हनुमान अष्टमी का जो दिव्य आयोजन भंडारा महाप्रसाद का जो आयोजन करके इस खातेगांव नगर के हनुमान भक्तों में एक उत्साह का संचार किया है। आज पूरा बागदी नदी से लेकर खातेगांव तक हनुमान भक्तों का जनसैलाब दिखाई दे रहा है सड़क पर और ये जनसैलाब निश्चित ही पंचमुखी हनुमान मंदिर सेवा समिति के आह्वान पर यहाँ पहुँचा और बाबा के दर्शन किए। और ये स्थान तो अद्भुत स्थान है, यहाँ मन की मनोकामना को पंचमुखी हनुमान मंदिर में दर्शन करने के बाद मन की मुरादें पूरी होती है, ऐसे हनुमान मंदिर में हम पहुँचे हैं। हमने यहाँ देखा है एक विशाल मूर्ति तो बाबा की लगी हुई है, उसके साथ एक छोटी प्रतिमा भी एक अपने आप में दिव्य दर्शन देती है। ये छोटी प्रतिमा है, ये बहुत प्राचीन प्रतिमा है और ये बहुत अद्भुत प्रतिमा है। अभी पिछले 2 साल पहले कोई अज्ञात असामाजिक तत्व जब ये मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था तब उसको डैमेज कर गया था। उसके बाद हमारे मंदिर के पुजारी व्यास जी और हमारी आयोजन समिति के सभी अजय भाई और राकेश भाई व्यास और सभी लोगों ने यहाँ पर इसका प्राण प्रतिष्ठा विधिवत किया, एक भव्य आयोजन किया। उस दिन रात को यहाँ दादाजी नाम संकीर्तन हुआ और वापस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई और उसके बाद बाबा का जो चमत्कार हुआ कि शीघ्र ही बाबा अपने पंचमुखी विशाल रूप में आए और बाबा की भव्य प्रतिमा का यहाँ स्थापना हुआ, विशाल आयोजन हुआ पूरे नगर और क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। हमारे साथ खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।